No lo digas, no lo digas. Así. Otra más. Ya lo vemos de ahí, ¿no? Ah, bueno, chanco. No, I'm shopping with him. Hello, okay. The car is parked. The car is parked. What is it? Come. मुझे नहीं पता था कि लंदन में लॉ के साथ तुम ड्राइवर और मैकेनिक का कोर्स भी कर रहे हो। शॉपिंग शॉपिंग। तुम्हें ये तो बताया नहीं था तो क्या? रेडी गाइस? बताया नहीं कि लंदन में लॉ के साथ तुमने मैकेनिक और ड्राइवर का भी कोर्स किया? जॉबिंग शॉपिंग। एक्शन। वन मोर। लाइफ में तो गाड़ी चलाना सीख रही हूँ ना, मेरे को आपको बताएंगे वैसे क्या हो रहा है सीन में। इस सीन में सुमो मुझे घुमा रही हैं, उनकी गाड़ी टेस्ट कर रहे हैं हम दोनों, और हम जगह जगह जा रहे हैं, थोड़ी बातें कर रहे हैं बस। सीन मतलब तो बस यही है, मेरी थोड़ी गाड़ी फिक्स की है तो मैं एक टेस्ट ड्राइव पर लेके गई हूँ कि गाड़ी ठीक से चल रही है कि नहीं। ऑनेस्टली तो नहीं आता है, अभी सीखा है मैंने शो के लिए, तभी थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो भी सीखा मैंने डायरेक्टली एम्बेसडर पे। अगर आप जानते हैं तो एम्बेसडर जो गाड़ी होती है उसमें ना पावर स्टेयरिंग होती है, जो मैं चला रही थी उसमें तो हैंड ब्रेक भी नहीं थी और गियर भी थोड़े अजीब से ही होते हैं, तो हाँ थोड़ा डिफिकल्ट होता है। किस चीज़ में? इन जनरल जनरल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं आप? कैरेक्टर में तो सबसे पहले सुमो को गाड़ी चलानी बहुत अच्छे से आती है, जो मुझे नहीं आती है, नंबर वन। नंबर टू, सुमो खाना बड़ा अच्छा बनाती है, जो मैं बिल्कुल नहीं बनाती। नंबर थ्री, सुमो घर पे थोड़ी चुपचाप रहती है, मैं वैसे नहीं रहती, तो ये तो सारे डिफरेंसेस हो गए। श्रवण और मेरे में, आई एम नॉट अ लॉयर, पहली बात, बहुत एजुकेटेड है, बहुत करियर ड्रिवन है। एजुकेटेड तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, इनके हिसाब से मैं फिफ्थ में फेल हो गया था, बट नहीं, तो वो तो अच्छे से लॉयर हैं, करियर ड्रिवन है, पिछले उनके 10 साल दिखाया है उनको शो में, जो ये आप प्लीज चुप हो जाइए, आपने अपनी बात कर ली ना। हाँ, तो आई थिंक दोज आर द टू डिफरेंसेस। मेन सिमिलैरिटी इज द फैमिली थिंग, कि हम दोनों के फैमिली को काफी मानते हैं। फैंस के बारे में बोलना चाहूंगा कि रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपने जो भी मैसेजेस भेजे हैं, जो भी कमेंट्स करें, थैंक यू सो मच फॉर दैट, इज सो स्वीट। और हम मेहनत करते रहेंगे कि आपको खुश रखें और आगे। आई जस्ट से कि वी आर वेरी हैप्पी जो हमारा पहले हफ्ते का रिस्पॉन्स रहा है, तो आई जस्ट होप वी कैन मेंटेन दैट एंड डू जस्टिस टू ऑल द एक्सपेक्टेशंस दैट यू ऑल हैव फ्रॉम अस। थैंक यू। यूनिट हमारी बहुत ही प्यारी है, कई लोग मुझे देख रहे हैं, अगर मैंने कुछ भी यूनिट के अगेंस्ट बोल दिया तो जवाब थोड़ा सोच के लीजिएगा, सोच समझ के बोलना पड़ेगा। नो बट आशा, इट्स अ वेरी गुड एंड कोऑपरेटिव यूनिट, जितना मैंने देखा है, इट्स लवली वर्किंग।